की बात है, एक कैटरर जो कि एक इवेंट में खाना बनाने के लिए गया, वो वहां खाना बना रहा था। जनरली आपने एक चीज नोटिस की होगी, कैटरर वगैरह जो होते हैं, जो खाना बनाते हैं, स्पेशली सिर्फ कैटरिंग में जो इनका खाना बनाने का काम होता है, उनके बर्तन बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके पास कड़ाहियां भगोने बहुत विशाल विशाल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का उनको खाना बनाना होता है। उसके अंदर उनके बर्तन अंदर से तो साफ होते हैं और बाहर से बहुत गंदा होता है। ये जो कैटरर थे उनके साथ भी वैसी ही बात थी, बर्तन अंदर से साफ थे, बाहर से बहुत गंदा था। जिनके घर वो खाना बनाने के लिए गए थे, जिनके घर में इवेंट था, वो निकल कर आए बाहर, उन्होंने देखा कि खाना बन रहा है मगर बर्तन बहुत गंदे हैं। उन्होंने कैटरर को बोला, भाई कितने गंदे बर्तन में खाना बना रहे, थोड़ा भी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। उसने कहा, नहीं सर, आप झांक कर देखो बर्तन के अंदर, बर्तन बिल्कुल चमक रहा है, बाहर से गंदा है, क्योंकि हम बाहर से ज्यादा उसको साफ करने में ध्यान नहीं देते। उन्होंने झांक कर देखा, महसूस किया, हाँ बर्तन अंदर से तो साफ है। मगर ये बोल देने के बाद भी कैटरर ने फील किया कि बर्तन बाहर से भी साफ होने चाहिए, सिर्फ अंदर से साफ होना ही पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अंदर से साफ है चीजें, मगर बाहर से साफ होना भी मस्ट होता है। तो उसने सोचा, जैसे ही इवेंट खत्म होगा मैं बर्तन को साफ करवाऊंगा, और अपने वेयर हाउस में रखने के पहले, न्यू इवेंट के पहले, अपने सारे बर्तन को अंदर और बाहर दोनों जगह से चमकवाऊंगा। इवेंट खत्म हुआ, वो बर्तन को लेकर के अपने वेयर हाउस के लिए निकले। वेयर हाउस में स्टोर करने के पहले उसने अपने कारीगरों को बोला, रखने के पहले सारे बर्तनों को चमका दो, बाहर से भी और अंदर से भी। कारीगर पहले आधे मन से लगे, मगर उनको लगा मालिक पूरे मूड में है, बिल्कुल जिद पे अड़ा हुआ है कि साफ करवा के मानेगा। तो उन लोगों ने भी कोशिश शुरू की और उसको स्क्रब से स्क्रब करना शुरू किया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन स्क्रब करते रहे, करते रहे। इतनी पुरानी मैल जमी हुई थी, इतनी पुरानी मैल थी कड़ाहियों के ऊपर जमी हुई, वो स्क्रब करने से साफ होने वाला? इतना रिसोर्स वेस्ट हुआ, इतना समय लगा, मगर थोड़ा बहुत उसके अंदर फील हुआ चेंज, कि हाँ हल्का हल्का चेंज तो हुआ, मगर कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया। फाइनली उन लोगों ने जैसी कंडीशन में था वैसा ही वापस उसको स्टोर कर दिया, मालिक को इन्फॉर्म करके। उसने महसूस किया कि अगर इनको मैं इसी काम में फंसाया रखूंगा तो बाकी मैं दूसरे काम कब करवाऊंगा इनसे, और उसने उस काम को ही छोड़ दिया। क्या आपने कभी महसूस किया है, हम सब की लाइफ में एक ऐसा पल आता है जब हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपने पुरानी हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं, नई हैबिट एडॉप्ट करना चाहते हैं, गंदी हरकतों को, गंदी आदतों को छोड़ करके नई और अच्छी हरकतें और अच्छी आदतें सीखना चाहते हैं, मगर पुरानी आदतें हम पर इतनी हावी होती हैं, पुराने हैबिट हमारे, पुराने बिलीफ्स हमारे इतने हावी होते हैं हमारे ऊपर कि हमें नया सीखने नहीं देते, या नया सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग अपने हैबिट के, अपने बिलीफ्स के ऐसे शिकार हो चुके हैं, ऐसे हमारे अंदर वो भर गया है ऐसा जबरदस्त तरीके से कि उसको निकाल पाना रातों रात में संभव नहीं है। जब हम कुछ नई चीज सीखना चाहते हैं, हम नया कुछ बनना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो हमें वर्षों की मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग बदलना चाहते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, और कई बार तो लोग बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, मगर रिजल्ट नहीं आता तो छोड़ देते हैं। कई बार तो मैंने लोगों को देखा है, एक एक साल, दो दो साल की मेहनत करते हैं, और मैं यहां तक बोल सकता हूं ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पूरी जान झोंक देते हैं उसको करने में, मगर जो गंदगी है ना इतनी ज्यादा पकड़ ली है, वो जो काला है ना, जो कार्बन जमा हुआ है उस बर्तन के ऊपर, जो कार्बन जमा हुआ इतना ज्यादा जमा हुआ था, तीन दिन में कुछ नहीं होना था। उसी तरह से हमारे हैबिट ने, हमारे बिलीव्स ने हमारे ब्रेन में ऐसी जगह बना ली है जो हम प्रैक्टिस करते हैं रोज रोज। हम कहते हैं ना, किसी को आप किसी से पूछिए, बोलेगा मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं लग रहा, मैं क्या करूं, फट से एक मिनट में बोलेगा, क्यों नहीं तो मेडिटेशन करते। मेडिटेशन करना इजी थोड़ी है, आपकी उम्र जितनी भी है, जब से आपने जन्म लिया है और आज की उम्र तक आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई भी काम, एक काम एक बार में नहीं करते। खाना खा रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं किसी से बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को तो मैंने देखा है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए खाना खा रहे होते हैं, या फिर कुछ भी काम हम कर रहे होते हैं एक साथ, दो दो काम, तीन तीन काम, वॉकिंग करते हुए भी लोग ऑडियो पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं, कुछ ना कुछ फोन पर बात कर रहे होते हैं, एक बार में एक काम हम कर ही नहीं रहे होते, तो हम कंसंट्रेट तो हमने कभी अपने आप को करने ही नहीं दिया। बार बार हमने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहे हैं अलग अलग हैबिट से, अलग अलग बिहेवियर से,
और हम चाहते हैं कि रातों रात में हमारा रिजल्ट ऐसा आ जाए कि हम सब कुछ सुधर जाए, सब कुछ बदल जाए। हमने कोशिश शुरू कर दी है, रिजल्ट आ जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होगा, मगर ऐसा नहीं हो सकता कुछ दिनों की मेहनत से, कुछ बार की मेहनत से। हमें उसके लिए लंबी मेहनत, कठोर मेहनत, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रिजल्ट तो आएगा, जैसे कि उस हलवाई के बर्तन यदि वो लगातार घिसते रहते 10 दिन 15 दिन 20 दिन, या फिर वो किसी एक्सपर्ट की मदद ले लेते जो कि उसको हटाने में एक्सपर्ट होते हैं। कई लोग होते हैं जो कि कार्बन हटाने के लिए खास मशीन आती है, उसकी मदद लेते तो हो सकता है बहुत जल्दी वो क्लीन हो जाता। अगर मदद लेते हो सकता साफ हो गया होता, मगर 2 दिन 3 दिन की मेहनत करने के बाद, स्क्रब करने के बाद अगर सफलता पूरी नहीं मिली, उन लोगों ने छोड़ दिया। हम सब भी यही करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं और थोड़ा सा वक्त देते हैं, रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो रिजल्ट नहीं आता, हम छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और फिर एक बहुत छोटी सी हैबिट है हम सब की, कंप्लेन करने की। बड़ी कोशिश की यार मैंने, नहीं आया रिजल्ट, छोड़ दिया मैंने, कब तक लगा रहूंगा यार उसी काम में। तब तक लगे रहना होगा जब तक रिजल्ट नहीं आता। मैं आपको एक पुराना उदाहरण सुनाता हूं स्टीव जॉब्स का, उनके बचपन का। मैंने जब उनकी बायोग्राफी पढ़ी थी तो मैंने उसमें देखा था, उन्होंने एक अपने बचपन का कोट किया था, अपने पापा का एक स्टेटमेंट। उनके पिता ऑफिस जाने के पहले, उनके पिता ने उनको एक काम देके गए कि आप मेरे जो बालकनी के ग्रिल्स हैं उसको आप पेंट कर देना, और पेंट वगैरह देके गए। वो स्टीव ने उसको पेंट किया। जब शाम को पापा उसके लौट के आए स्टीव के, तो उन्होंने देखा कि पेंटिंग तो हुई नहीं है ठीक से। तो उन्होंने बोला, स्टीव को बुलाया, बोला स्टीव तुमने पेंटिंग पूरा ठीक से क्यों नहीं किया। उसने कहा मैंने कर तो दिया पापा, देखो। वो बाहर ले जाके दिखाया, उसने कहा देखो पापा बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। उसके पिता ने पूछा अंदर? उसने बोला अंदर कौन देखता है, बाहर जैसे साफ दिखना चाहिए। उसके पिता ने समझाया, स्टीव के पापा ने समझाया कि नहीं बेटा, इससे सिर्फ बाहर के हो जाने से फर्क नहीं पड़ता, सफाई अंदर से होनी चाहिए। पेंटिंग तो पहला प्रेफरेंस हमारा अंदर से करने का होना चाहिए। अंदर से हम देखते हैं, मैं देखता हूं, तुम देखते हो, बाहरी दुनिया क्या देखती है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट भीतरी दुनिया क्या देख रही है, हम क्या देख रहे हो इंपॉर्टेंट है। स्टीव को बात बहुत पसंद आई अपने पिता की। जब उन्होंने एप्पल लॉन्च किया, जब उनका पहला फोन लॉन्च किया था, तो जो इंजीनियर है जिन्होंने उसको खोल कर देखा था, वो कहते हैं कि जितना सुंदर एप्पल अंदर से है उतना ही सुंदर बाहर से है। मतलब कि अंदर के जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं, अंदर के उन्होंने जो उसके अंदर सोल्डिंग की है, जो वायरिंग की है, वो भी इतना मार्वलस है कि वो भी देखने लायक होता है। जितने भी गैजेट्स एप्पल के बने हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट एप्पल के बने हैं, सारे इतने ब्यूटीफुली अंदर से इक्विप्टेड हैं, इतने सुंदर बनाए गए हैं कि अगर कभी खोल के देखने का मौका किसी को मिला हो या मिले तो आप देखिएगा, बहुत अंदर से उतना ही ब्यूटीफुल लगते हैं एप्पल के इंस्ट्रूमेंट्स जितने बाहर से लगते हैं। हमें भी अपने जीवन में ये लक्ष्य बना लेना चाहिए या गोल रख लेना चाहिए कि हम कोई भी काम सिर्फ एक तरफा नहीं करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपने घर अपना बहुत अच्छे से सफाई कर ली और कूड़ा उठाकर अपने घर के बाहर रख दिया, या फिर बाहर बहुत ही सफाई कर दी और घर को गंदा छोड़ दिया, क्या हो जाएगा उससे? आपको क्या करना होगा, अंदर की भी सफाई करनी होगी, बाहर की भी सफाई करनी। यदि आप साफ जगह में रहना चाहते हैं, सिर्फ अंदर का साफ कर लेने से और सिर्फ बाहर का साफ कर देने से सफाई नहीं मानी जाती। इसी तरह से हमें अपने अंदर की भी सफाई करने की जरूरत है, बाहर की भी सफाई करने की जरूरत है। सिर्फ मैं बाहर से अपने आप को रोज अच्छे से नहा धोकर साफ सुथरा कर लूं, अंदर से मैंने निगेटिविटी की गंदगी अपनी भर रखी है, ओल्ड बिलीफ्स की गंदगी भर रखी है, निगेटिव थॉट्स की गंदगी भर रखी है, उसकी सफाई नहीं कर रहा हूं, तो बाहर की सफाई यूजलेस हो जाएगी। जो रिजल्ट आएगा वो कभी भी आपके एक्सपेक्टेशन के अनुकूल नहीं आ सकता। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी न्यू वीडियो में न्यू सेशन के साथ।